वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सीएस नोट्स होम वीडियो सेल जीएसटी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी में ई वे बिल की। दोस्तों ये एक पुराना मटेरियल है जिसे एक नए पैकेजिंग में, एक नए नाम के साथ में जीएसटी में आप लोगों के सामने पेश किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर बिजनेसमैन थे, जो लोग भी अपना व्यवसाय कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ये जो ई वे बिल है वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जब पहले वेट और सेल्स के टाइम पे बिजनेस करते थे तो ट्रांसपोर्ट, हम कोई भी मटेरियल करते थे तो उसके साथ में एक बिल्टी देते थे, हम उसे मटेरियल की एक इनवॉइस देते थे जो ट्रांसपोर्ट को, ट्रक वाले को हम दिया करते थे, जो वो रिसीवर को भी दिया करता था कि मटेरियल कितना है, क्या है, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता था। सेम वही चीज है ई वे बिल, सिर्फ यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बदले हैं, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। तो आज हम उन चीजों को देखेंगे। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि जीएसटी के अंदर आपको डराने जैसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज ई वे बिल अंडर जीएसटी। अंडर जीएसटी ट्रांसपोर्टर्स विल नीड टू कैरी एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल और ई वे बिल व्हेन मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे जीएसटी में क्या हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक बिल, या फिर उसे ई वे बिल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ई उन्होंने लिया है, ई वे बिल, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो उन्हें चाहिए जब वो किसी गुड्स को एक वन प्लेस टू अनदर, जब वो मूव करते हैं उस गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिंस इट इज ए न्यू रूल इंट्रोड्यूस अंडर जीएसटी। यानी ये पहले नहीं था, जीएसटी जब चालू हुआ जुलाई के अंदर तब नहीं था, ये उसके बाद में यहाँ पे अमेंड किया गया है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल कंसाइनर्स, कंसाइनीज, ट्रांसपोर्टर्स टू बी अवेयर ऑफ द रिक्वायर्ड कंप्लायंस। ये नया है, इसके लिए यहाँ पे सेंडर हो, रिसीवर हो, ट्रांसपोर्टर हो, यानी कंसाइनर हो, कंसाइनी हो या ट्रांसपोर्टर हो, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विच कैन बी जनरेटेड ऑन द जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल। यानी इस बिल को, ये ई वे बिल जो है ये कब यूज होगा, जब गुड्स का जो मूवमेंट होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसे जनरेट करने के लिए आप अपने जीएसटी पोर्टल से इसे जनरेट कर सकते हो, यानी gst.gov.in जो आपका डैशबोर्ड है वहां से आप इसे जनरेट कर सकते हो। ए मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन ₹50,000 इन वैल्यू कैन नॉट बी मेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एन ई वे बिल। यानी यहाँ पे जो गुड्स का मूवमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 और उससे ऊपर का जो मटेरियल जो है, जो गुड्स जो है, अगर आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे मूव कर रहे हो तो वो विदाउट ई वे बिल आप नहीं कर सकते, एक रजिस्टर्ड पर्सन की ये बात है कि जो भी आप, मीन्स अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, आप 50,000 का जो भी आपके पास में गुड्स आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर रहे हैं उस गुड्स का, तो आपको ई वे बिल जो है वो जनरेट करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप मटेरियल नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कि मैंने नहीं किया तो क्या होगा, इसके लिए जो जीएसटी ऑफिसर्स जो भी रहेंगे, पहले जो वेट सेल्स में होता था बिल्टी चेक होती थी, वही चीज यहाँ पे है, वो लोग वो चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर आपने मटेरियल भेजा है, प्रॉपर उसकी रेट लगाई है, प्रॉपर जीएसटी लगाया है। ये एक टैक्स चोरी ना हो उसके लिए इसे क्रिएट किया गया। When should an EVA bill be generated? कब किया जाए? EVA bill be generated when there is movement of goods in relation to a supply. EVA bill कब generate किया जाएगा? जब एक goods जो है उसका movement हो in relation to a supply, यानी आप goods की जो है supply कर रहे हो for reasons other than a supply से a return. कोई भी reason हो सकता है, सिर्फ अगर return material आ रहा है उसे छोड़ के, due to inward supply from an unregistered person. या फिर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप मटेरियल ले रहे हो, अगर आपको सप्लाई हो रही है तब आपको ई वे बिल जनरेट करना है। यानी यहां पे रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड तो है ही, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी मटेरियल ले रहे हो तो ये रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ई वे बिल जनरेट करे। व्हाट इज अ सप्लाई इन केस ऑफ एन ई वे बिल? द टर्म सप्लाई यूजुअली मींस ए सेल। यानी सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा? सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट मेड। यानी आपने जो गुड्स हैं उसे सेल किया और पेमेंट
बनाया उसका, ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर फॉर इंस्टेंस, गुड्स को आपने ट्रांसफर किया वो ब्रांच ट्रांसफर भी हो सकता है, बार्टर एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज जो है वेयर द पेमेंट इज बाय गुड इंस्टेड ऑफ इन मनी, यानी आपने एक मटेरियल सेंड किया उसकी जगह पे आपने पेमेंट की जगह पे पार्टी से दूसरा मटेरियल मंगवा लिया, तो ये भी यहाँ पे इसके लिए भी ई वे बिल लगेगा। ऐसा होता है बहुत बार, हम मटेरियल सेंड करते हैं पार्टी को, मान लीजिए हमने उसे कच्चा माल भेजा और उससे हमने प्रोड्यूस मटेरियल हम उससे वापस मंगवा रहे हैं, फाइनल मटेरियल हम उससे वापस मंगवाते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, यानी एक्सचेंज जो हो रहा है मटेरियल का। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप मान लीजिए क्या बोलेंगे इसे कवर बना रहे हैं किसी बुक का, आप वो कवर सेंड कर रहे हो और वहां से उसके पास में आप मटेरियल मंगवा रहे हो, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सचेंज। सो देयरफॉर ईवे बिल मस्ट बी जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। सो इस टाइप का अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो उसके लिए ईवे बिल मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। उसकी अमाउंट जो है वो मैंने आपको बताई है 50,000 रुपीज और उससे अबव का जो भी मटेरियल मूवमेंट होगा उसका, उसके लिए ईवे बिल मैंडेटरी है। Who can generate an e-way bill? अब e-way bill कौन generate कर सकता है? E-way bill must be generated when there is a movement of goods of more than rupees 50,000 in value to or form from a registered person. जैसा कि मैंने start में बताया, एक registered person जो है, वो जब goods का movement करेगा, in the value कितनी होगी उसकी value 50,000 और उससे ज़्यादा जब होगी तो उसे ए रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर में चूज टू जनरेट एंड कैरी ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000। बट एक रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर चूज कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है ई वे बिल, चाहे मटेरियल जो है आपका, जो आपके गुड्स है उसकी वैल्यू 50,000 से नीचे भी रहे तो ये ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हो। इसका कुछ फायदा भी है दोस्तों। फायदा ये है, बिल जनरेट हुआ है, आपको सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके पास में हमेशा रहेगी, आपको पेपर्स जो है वो हमेशा संभाल के कैरिंग करके रखने की जरूरत नहीं है। इवन आप इसके अंदर जब ट्रैक करते हो आप मटेरियल किसे कब भेजा के, एक तरीके से आप इसे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग भी कह सकते हो, तो ये ट्रैकिंग सिस्टम भी आपके लिए बन सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन देयर ट्रांसपोर्टर्स में ऑल्सो चूज टू जनरेट एन ई वे बिल, दिस मीन्स देन एन ई वे बिल कैन बी जनरेटेड बाय बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन और वो ट्रांसपोर्टर जो है वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रहता है अगर वो नहीं करता तो ट्रांसपोर्टर उसके बिहाफ के ऊपर जो बिल है वो बना सकता है, जिसके पास में वैसे भी कंसाइनी रहेगा, जिसके पास में मटेरियल जा रहा है ये उसकी भी लाइबिलिटी हो जाती है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो ई वे बिल जनरेट करे क्योंकि मटेरियल उसके पास में आ जाता है। तो ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई बार नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर्ड ही करेगा, अनरजिस्टर्ड नहीं कर सकता। इफ ए ट्रांसपोर्टर इज ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट इन ए सिंगल कन्वेंस दे कैन यूज द फॉर्म GST EWB02 टू प्रोड्यूस ए कंसोलिडेट ई वे बिल बाय प्रोवाइडिंग द ई वे बिल नंबर ऑफ ईच कंसाइनमेंट। इफ बोथ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी हैव नॉट क्रिएटेड एन ई वे बिल देन द ट्रांसपोर्टर कैन डू सो बाय फिलिंग आउट पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWV01 ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान गिवन टू देम। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है कि आपके पास में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ गुड्स है, आप उसे एक ही लोट में सेंड कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे इफ ट्रांसपोर्टर इज ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट, लेकिन वो मटेरियल जो जा रहा है वो एक पार्टी के पास में ना जाके मान लीजिए 3-4 पार्टियों के पास में जा रहा है इन सिंगल कन्वेंस, लेकिन जा रहा किसमें, एक ही रूट पे है, दे कैन यूज द फॉर्म GST EWB02 प्रोड्यूस ए कंसोलिडेट ईवे। अब ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, उसके लिए एक कंसोलिडेट ई वे बिल बना सकता है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है बाय प्रोवाइडिंग द ई वे बिल नंबर ऑफ ईच कंसाइनमेंट। इसमें क्या कर सकता है, वो हर जो कंसाइनमेंट है उसका वो ई वे बिल इसके अंदर प्रोवाइड कर सकता है। इफ बोथ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी हैव नॉट क्रिएटेड एन ई वे बिल देन द ट्रांसपोर्टर कैन डू सो। अगर कंसाइनर और कंसाइनी, रिसीवर और सेंडर दोनों ने भी अगर ई वे बिल नहीं बनाया है तो इस सिचुएशन में ट्रांसपोर्टर जो है वो खुद बना सकता है बाय फिलिंग आउट ऑफ पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB01 ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान। किसके बेसिस पे बना सकता है, वो इनवॉइस हो गई, बिल ऑफ सप्लाई हो गया या डिलीवरी चालान, जो भी बिल्टी जो भी बोलेंगे आप उसे, उसके बेसिस के ऊपर वो खुद भी बना सकता है। कैन ई वे बिल
we use during return filling? Yes. The information provided in Part A of the form GST EWB01 can be used for preparing GST R1. ये जो आप बिल बनाते हो ये रिटर्न के टाइम पे भी काम आ सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो मैंने क्रेडिट डेबिट नोट का आपको बताया था। दोस्तों क्रेडिट डेबिट नोट का यूज इसमें बहुत होगा। आपने ईवे बिल बनाया, आपका मटेरियल गया, मटेरियल जाने के बाद में मान लीजिए उसकी वैल्यू कम हुई या फिर इन आपने जीएसटी ऑलरेडी पेड कर चुके हो आप, तो आपका अगर मटेरियल वापस आया, इन केस डैमेज हो गया, पार्टी ने वापस मटेरियल सेंड कर दिया या ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, तो क्रेडिट डेबिट नोट्स वहां पे यूज होते हैं। तो उसके लिए आप जो लास्ट वीडियो हमारा क्रेडिट डेबिट नोट का वो जरूर देखिएगा। अब ईवे बिल के साथ में उसका बहुत प्रॉपर यूज होगा। ये इनवॉइसिंग सिस्टम जो है वो कैसे यूज होगा वो आपको क्रेडिट डेबिट नोट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ईवे बिल के अंदर जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, अप टू 100 किलोमीटर वन डे, फॉर एवरी 100 किलोमीटर आफ्टर दैट एन एक्स्ट्रा डे, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ईवे बिल अगर बनाया आपने, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर सप्लाई करनी है तो उसके लिए डेट एंड टाइम एट विच ईवे बिल जनरेटेड, आज आपने क्रिएट किया है तो कल तक का एक दिन का टाइम आपको मिलेगा क्योंकि 100 किलोमीटर में वो डिलीवर हो सकता है। 100 किलोमीटर के बाद में एवरी 100 किलोमीटर आफ्टर दैट डेट एंड टाइम एट विच ईवे बिल जनरेटेड एन एक्स्ट्रा डे, 100 किलोमीटर के हिसाब से वो एक एक्स्ट्रा दिन उसके अंदर जुड़ता जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ईवे बिल जो है वो कोई नई चीज नहीं है। आप लोग पहले से इस पे काम कर रहे थे, पहले से हम लोग इनवॉइस बिल्टी वगैरह जो रहती थी वो ट्रांसपोर्टर को हम प्रोवाइड करते थे, ट्रांसपोर्टर उस बिल्टी के बिना आपका मटेरियल लेके ही नहीं जाता था। तो यहाँ पे ईवे बिल सिर्फ एक पैकेजिंग नहीं बना के आप लोगों के सामने दिया गया है, मैं इसे अच्छा ही मानूंगा बिकॉज इसके थ्रू आप लोग खुद के ही प्रोडक्ट को, खुद के ही जो भी कंसाइनमेंट निकलते हैं उनको एक अच्छे वे में ट्रैक कर सकते हो। आप क्रेडिट डेबिट नोट्स का यूज यहां पे कर सकते हो क्योंकि क्रेडिट डेबिट नोट्स बहुत सारे लोगों ने अभी तक उनको पता ही नहीं है कि क्रेडिट डेबिट नोट्स होता क्या है, तो ईवे बिल के साथ में आप उसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की अगर जीएसटी में कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम, मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे जीएसटी के ऊपर आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बैठे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। इसके साथ में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अवेयर कीजिए जीएसटी के बारे में। जीएसटी कोई परमाणु वेपन नहीं है, हथियार नहीं है जो गिरेगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जीएसटी जस्ट ए फंक्शन ऑफ टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का फंक्शन है। हम लोग पहले से वेट और सेल्स के अंदर पिछते आ रहे थे लेकिन तब हमारी आदत जो थी वो एक हैबिचुअल आदत हमारी, जिसे हम कह सकते हैं एक हैबिट हमारी ऐसी थी कि देख लेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा देखने वाला जो काम है वो चेंज हो चुका है। तो इसकी वजह से हवा जो है वो बहुत टाइट है। तो इसके लिए लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपके सामने हैं, आप खुद इसे प्रोसेस कर सकते हो, किसी के डराने पे आप डरिए मत। जीएसटी बहुत ईजी है, प्रोसेस इसका थोड़ा हार्ड है लेकिन जो सिस्टम जो बनाया गया है वो आपके लिए बनाया गया है। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में और आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। हमारे बाकी के जो वीडियोज है, एग्जिस्टिंग वीडियोज है, उन्हें आप देखिए, देख के आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप रिटर्न वगैरह, किस तरीके से डेबिट क्रेडिट नोट, किस तरीके से आप कंपोजिशन स्कीम में हो, किसी भी प्रकार से आप जीएसटी में हो, आप किस तरीके से उसे यूज कर सकते हो बेटर वे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।